वुडलैंड अस्पताल में इलाजरत भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की तबीयत जानने के लिए अनुराग ठाकुर व बीसीसीआई के जय शाह पहुंचे। गौरतलब है कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौरव को फोन कर उनका हालचाल जाना था। वहीं आज उपराष्ट्रपति ने भी सौरव की तबीयत के बारे में पूछा। अस्पताल में सौरव से मिलने के बाद अनुराग ठाकुर ने कहा कि उनकी तबीयत में काफी सुधार हो रहा है, वे जल्द ही ठीक होकर देश की सेवा में जुटेंगे। सौरव गांगुली न केवल बंगाल के बल्कि पूरे भारत के हीरो हैं, जिन्होंने क्रिकेट फील्ड में भी बहुत सारे प्रतिद्वंदियों को हराया है, ओपोनेंट्स को हराया है, क्रिकेट फील्ड में भी उतार चढ़ाव देखे हैं और सदा विजय पाई है। इस बार भी सौरव गांगुली ने जो एक आपकी चिंता है स्वास्थ्य को लेकर, जब मेरा मिलना हुआ तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, स्वस्थ दिख रहे थे और जल्दी ही जैसा पहले वो अपना काम करते थे उसी तरह से वापस रूटीन लाइफ में आएंगे। बंगाल वासियों और भारत वासियों की दुआ के कारण वो स्वस्थ भी हैं। अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ ने भी उनकी जो सेवा की है वो जल्दी स्वस्थ होकर आप सबके बीच में आएंगे। क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए विशेष तौर पर बीसीसीआई और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के माध्यम से क्रिकेट और खेलों को आगे बढ़ाएंगे। सौरभ को पहले क्रिकेट फील्ड में, अब बीसीसीआई में और अलग अलग क्षेत्रों में भारत की सेवा करनी है और वो करते रहे। सौरभ को मैं 20 वर्षों से ज़्यादा समय से जानता हूँ। क्रिकेट खेलने से, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर व्यक्तिगत जीवन में एक व्यक्तिगत मित्र के रूप में भी, और इसलिए कहना चाहता हूँ कि उन्होंने उतार चढ़ाव जिंदगी में बहुत देखे हैं, वहाँ पर भी जीत पाई है, बीमारी को भी हराएंगे और स्वस्थ होकर जल्दी देश की सेवा करेंगे।